अक्षरा सिंह और काजल राघवानी ने एक बार फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जाहिर किया अपना गुस्सा। जहां अक्षरा आए दिन इंडस्ट्री को लेकर नए नए खुलासे करती हैं, तो वहीं अब इस रेस में काजल राघवानी भी शामिल हो रही हैं। अक्षरा ने अपने पोस्ट से बताया कि कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार नई लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर धीरे धीरे अपना काम निकलवाते हैं। जहां अक्षरा सिंह ने लिखा, झूठ कहते हैं लोग कि इंडस्ट्री एक परिवार है और आपस में बहुत प्यार है, सरासर गलत। बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे से कष्ट में पूछ लें कि तुम ठीक तो हो ना। कष्ट पूछने में काम देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं ये लोग, और ऊपर से झूठ नाटक दिखाने के लिए। अब तो डर हुआ होगा या अब भी नहीं, तुम्हारे घर की लड़की नहीं गई ना, इसलिए उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे। अक्षरा सिंह ने आगे लिखा, एक बात यहाँ के लोग ढकोसला बनाए हैं कि ये इंडस्ट्री खाली हीरो से चलती है, तो एक काम करो, हीरोइन को हटा दो और एक फिल्म बनाओ एक बार प्लीज, उसके बाद देखूंगी तुम्हारे मेल ईगो का कितना वर्चस्व रहता है। तुम लोगों का माथा एक्चुअली चढ़ा दिया है लड़कियों ने ही चुप रह के। पहले दिन ही सेट पे प्यार होता है और उसके बाद व्यापार होता है, ये है इनकी स्ट्रेटेजी। फिर लड़कियां इमोशन में आके सपने देख लेती हैं, इन्हीं के साथ जिंदगी बितानी है और क्या। फिर बाबू सोना का, उसके साथ काम मत करो, इसके साथ काम मत करो, फिल्म करो तो इतना पैसा मत लो ना, स्टेज पे जाओ तो फ्री में प्रोग्राम कर दो ना। मान लो लड़कियां ये सब करे भी तुम्हारे प्यार के लिए, तो एक काम कर लो ना, अगर असल मर्द हो तो उनका घर चला दो ना। माफ कीजिएगा पर ये सत्य है कि हीरो हीरोइन दोनों का एफर्ट बराबर का होता है, फिर अकेला बच्चों से किसी एक का क्यों। मुझे डर नहीं इनसे कि मुझे ये लोग काम नहीं देंगे, सुपरस्टार्स ऐसे भी काम नहीं देते, क्यों वो कभी फुर्सत में बताऊंगी। बीच में एक और स्टार का धमकी आया था मुझे, पर कोई नहीं, कर लो, सब लोग मिलके ही गेम करोगे तो ऊपर वाला और मेरे चाहने वाले सब देख रहे हैं। तो वहीं काजल राघवानी ने लिखा, प्रसन्नता का सबसे आसान उपाय है ना किसी से अपेक्षा और ना किसी से उपेक्षा। आप कितने भी अच्छे इंसान हो पर किसी ना किसी के लिए बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचते हैं। अगले पोस्ट में काजल ने लिखा, रुकावटें सबके रास्ते में होती हैं। कोई थक कर किस्मत को कोसता है तो कोई किस्मत से लड़कर अपनी तकदीर लिखता है, और हम लड़ने वालों में से हैं, थक कर हारने में से नहीं। वेल, तो भोजपुरी इंडस्ट्री की ऐसी ऐसी बातें भी सामने आएंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। वेल, इस खबर पर आप सबकी क्या है राय, बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।